आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भूकंप आने से पहले या फोन पर मिलेगा अलर्ट, गूगल जल्द भारत में लेकर आने वाली है ये टेक्नोलॉजी। गूगल जो है भारत में एक भूकंप अलर्ट सेवा जो है वो शुरू करेगा। दरअसल भूकंप से होने वाले जान माल की क्षति को रोकने के लिए दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जो है गूगल, उसने बुधवार को भारत में भूकंप अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने की जानकारी दी है। वह ये सेवा जो है एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेंसर का उपयोग करके भूकंप का अनुमान और उसकी तीव्रता का पता लगाने का काम करेगी। वह सेवा की मदद से भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट जो है वो किया जाएगा, जिससे लोग जो है अपनी जान और माल की सुरक्षा कर सके। वैसे काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दरअसल कंपनी ने एक अपने जो ब्लॉग है उसमें यहाँ पर कहा है कि एनडीए में और जो नेशनल सिमुलेटर सेंटर जो है एनएससी के परामर्श के साथ आज हम भारत में एंड्रॉइड भूकंप अलर्ट प्रणाली पेश कर रहे हैं। इसके जरिए हमारी कोशिश एंड्रॉइड यूजर्स को उनके क्षेत्र में भूकंप आने की स्वचालित शुरुआत जो है चेतावनी देना है। वही गूगल एंड्रॉइड भूकंप अलर्ट सिस्टम को भारत में लाने की तैयारी कर रही है। वही देश में इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए कंपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीए में और एनएससी से कंसल्ट जो है वो कर रही है। गूगल की टेक्नोलॉजी भूकंप के झटके शुरू होने से पहले वार्निंग भेजने का काम करती है। कंपनी के अनुसार ये सेवा जो है आने वाले हफ्ते में जो है एंड्रॉइड 5 या उसके बाद के संस्करण में उपलब्ध होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर को लगेगा 28% जीएसटी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी रविवार यानी 1 अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है सीबीआईसी, उसके चेयरमैन ने इसकी जानकारी यहां पर दी है। उन्होंने कहा है कि गेमिंग कंपनियों को इसके लिए प्रोसेस के तहत जो है लीगल नोटिस भेज दिया गया है। वही संजय अग्रवाल जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सभी राज्यों के विधानसभा जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहाँ 30 सितंबर तक पास कर लें या अध्यादेश लेकर 1 अक्टूबर से लागू करें। उन्होंने कहा है कि इसके लागू होने से 6 महीने बाद जो है रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। वह जीएसटी काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। वही 2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था। फिलहाल ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% जीएसटी जो है वो देते हैं। कैसीनो सट्टेबाज की और दूसरे गेम जिनमें चांस की बात जो है होती है उन पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। घुड़सवारी या फिर घुड़दौड़ में सरकार जो है हर बैटिंग पर 28% जीएसटी जो है वो चार्ज करती है। फेस्टिव सीजन को लेकर अगली बड़ी खबर देखिए। समोसा मिठाई खाने के लिए नहीं, अखबार एफएसएसआई ने त्योहारों से पहले दुकानदारों को किया है आगाह। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और हर साल त्योहारी महीने में जो है मिठाइयों की खपत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एफएसएसआई, उसने आने वाले सीजन में मिठाई की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल एफएसएसआई ने दुकानदारों को आगाह किया है कि वे इस त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों को खुले में बनाने से बचे। इसके साथ ही दुकानदारों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने का निर्देश जो है वो दिया गया है। दरअसल खाद्य सामग्री नियामक जो है एफएसएसआई, उसने दुकानदारों से ये भी आग्रह किया है कि वे खाने पीने की चीजों पर न्यूज़पेपर जो है खाने पीने की चीजें जो है न्यूज़पेपर में देने से बचे। वही एफएसएसआई के सीईओ ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि न्यूज़पेपर में पैक किए गए खाने से कई तरह की बीमारियां जो है उसका खतरा होता है। वह अखबार जो है बाहर में खुले पड़े रहते हैं, जिससे उसमें बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु की ग्रोथ जो है वो तेजी से होती है। इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाला इंक भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में एफएसएसआई ने दुकानदारों को पैकिंग के लिए अखबार के इस्तेमाल को तुरंत रोकने की सलाह दी है। वह फूड नियामक ने यह भी कहा है कि वह दुकानदारों और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे फूड कंटेनर का इस्तेमाल पर जोर दे रही है जिसमें लोगों को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा एफएसएसआई ने त्योहारी सीजन में देश भर में कई मिठाई निर्माता और एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की है, जिसमें खाद्य नियामक ने फेस्टिव सीजन में बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पंजाब राज्य से सरकार से फिर नाराज हुए हैं किसान। 30 सितंबर तक रेल रुको आंदोलन हुआ है शुरू, अन्नदाताओं की अब यह है डिमांड। किसान जो है पंजाब के अंदर एक बार फिर गुस्से में है। बाढ़ के नुकसान पर मुआवजा और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
दरअसल किसानों ने 28 तारीख से राज्य के कई जगहों पर ट्रेनें रोकी है। वही किसानों का जो रेल रोको आंदोलन जो है 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान उत्तरी भारत के 18 संगठनों जो संगठन जो है पंजाब में 15 जगहों पर ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। वही किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, उनमें से कई किसानों के ऊपर मामले वापस नहीं हो पाए हैं। किसानों की मांग है कि उन मामलों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी किसान मुखर है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो पाया है, उन्हें जल्द ही इंसाफ मिलना चाहिए। वही किसानों ने आगे कहा है कि अगर 3 दिनों के अंदर जो है रेल रोको आंदोलन को केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है, यानी इसमें केंद्र सरकार को इज्जत नहीं देती है, तो आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। 24 अक्टूबर के बाद इन फोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक अपडेट लेकर आता रहता है और ऐप को लगातार लेटेस्ट अपग्रेड भी मिलते रहते हैं। अब इसी बीच जो है पता चला है कि व्हाट्सएप जो है जल्दी पुराने एंड्रॉयड वर्जन पर काम करना बंद कर देगा। दरअसल मौजूदा समय में व्हाट्सएप उन एंड्रॉयड फोन पर काम कर रहा है जिनका वर्जन 4.1 या उससे नया है, लेकिन 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप सिर्फ एंड्रॉयड 5.0 यानी 5.0 वर्जन वाले फोन पर ही काम करेगा। इसके अलावा अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपको iOS 12 या फिर उससे ऊपर का वर्जन अगर आपके आईफोन में है तो ही ये व्हाट्सएप काम करेगा। वही लिस्ट में ज्यादातर फोन जो है पुराने मॉडल के जिनका इस्तेमाल बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन आज आपके पास भी अभी इनमें से कई फोन अगर आपका है तो मतलब एंड्रॉयड 4.1 से 5.0 यानी 5.0 से अगर कम वाला है तो अब आपको खरीदने के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ना केवल व्हाट्सएप बल्कि कई दूसरे सारे भी जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है ऐप जो है अभी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना सपोर्ट बंद कर रहे हैं। इसके अलावा नए सिक्योरिटी अपडेट के बिना जो है फोन में साइबर का जो खतरा जो है उसके प्रति संवेदनशील जो है हो जाता है। तो कौन कौन से फोन जो है इसमें प्रमुख फोनों के हम आपको नाम बता देते हैं। उसमें सोनी एक्सपीरिया Z, LG का G प्रो और सैमसंग गैलेक्सी S2 और सैमसंग गैलेक्सी नेक्सस और HTC का जो सैमसंग फोन वो है। इसके अलावा मोटरोला का भी कुछ मॉडल्स इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर सोनी का जो एरिक्सन एक्सपीरिया जो है उसमें भी ये बस जो है फिलहाल ये बंद, जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 4.1 से 5.0 के बीच जो है उनका ऊपर जो है एंड्रॉयड सपोर्ट सिस्टम जो है व्हाट्सएप बंद कर रहा है।